हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम मटका कुल्फी बनाएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें आधा लीटर दूध डालेंगे। और उसे उबलने देंगे। दूध को हमें लगातार चलाना है ताकि दूध कढ़ाई में ना चिपके। दूध को आधा होने तक उबालते रहेंगे। दूध अच्छे से उबल चुका है। अब इसमें एक तिहाई कप चीनी। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं। 10 से 12 केसर के रेसे, आधा चम्मच इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिला लेंगे और उबलने देंगे। उबलने पर कढ़ाई के किनारे पे जो मलाई जम जाती है उसे भी हम निकालकर दूध में डाल लेंगे। और दूध को अच्छे से उबलने देंगे। देखिए दूध में काफी गाढ़ापन आ चुका है। अब इसमें कटे हुए बादाम और कटा हुआ पिस्ता डालकर मिला लेंगे। अब गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ध्यान रहे इसे बनाने में 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। दूध ठंडा हो चुका है। अब हम एक छोटी सी मटकी लेंगे, इससे कुल्फी में अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब हम मटकी को भर लेंगे। मटकी की कुल्फी तैयार है। अब इसे कटे हुए पिस्ते के साथ गार्निश कर लेंगे। और सिल्वर फॉइल से इसको ऊपर से कवर कर देंगे। ध्यान रहे इसे हमें अच्छे से एयरटाइट करना है। अब इसे हम 8 से 10 घंटे के लिए डीप फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो मटकी की जगह आइसक्रीम मोल्ड या किसी भी बर्तन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।